लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में श्री सुखदेव थापर जी के 111वें जन्मदिवस के मौके पर उनके दोते विशाल नैयर की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए अलग अलग शहीदों के परिवारों ने हिस्सा लिया। समागम में विशेष तौर पर पहुंची फिल्म अदाकारा प्रीति सपूर ने बताया कि पारिवारिक मेंबरों की ओर से हर साल की तरह इस साल भी शहीद आजम सुखदेव थापर जी का जन्मदिन मनाया गया है, जिसमें देश भर के शहीदों के परिवारों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि आज इस मंच से उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि उनके लिए गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने सरकार से सभी शहीदों को शहीदी दर्जा देने की भी बात कही। जो सुखदेव जी की परिवार और लुधियाना के लोग मिलके अपने हमारे देश के शहीदों को उनकी शहादत को ऑनर करते हैं, ये हर साल प्रोग्राम करके मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इंडिया के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम पूरे देश में होने चाहिए कि उनकी शहादत ज़ाया नहीं जानी चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। ये हमारा इतिहास है और ये हमारे आगे की जनरेशन को पता होना चाहिए। जब हमारी जनरेशन इस हमारे शहीदों की शहादत के बारे में उन्हें पता होगा, इस ये आज़ादी कितनी कीमती है जो हमें मिली है उन सबके बदौलत, ये आज़ादी को रिस्पेक्ट करने उन शहीदों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ। मुझे देखिए इतनी नॉलेज नहीं, मुझे अभी पता चला, यहाँ आके विशाल जी ने बताया कि ये नहीं मिला, तो ये तो बड़े दुख की बात है क्योंकि जैसे कि पंजाब स्टेट माना जाता है दिलेरी के लिए, यहाँ कितने छोटे थे ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स। लाला लाजपत राय जी का मैंने अभी शिमला में बहुत बड़ा स्टैचू देखा, 1948 में वहाँ लगा था, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। चौक में बीच में लाला लाजपत राय जी का स्टैचू लगा है, हमारे शहीदों के स्टैचू पूरे इंडिया में लगने चाहिए, कैसे भूल गए हम आज हमारे हमें आज़ादी जिन्होंने दिलाई है, जिनके जद्दोजहद से हमें आज़ादी मिली थी, हमें कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए और उनकी स्टैच्यूज़ और उनके नाम पर एयरपोर्ट्स ऐसे सब होने चाहिए। फंक्शन में सुखदेव जी का जन्मदिन जन्म जयंती के ऊपर जो ये प्रोग्राम रखा है इसमें आने के लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बधाई का पात्र हैं इधर का ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि अभी जो पेट्रियटिज्म जो है, देशभक्ति जो है, देश का स्वाभिमान जो है, इस सिलसिले में प्रोग्राम बहुत कमती होने लगा है और लुधियाना शहर में जो विशाल जी ने रखा है इतना अच्छा प्रोग्राम, हमको लगता है सारा देश में जितना सोशल वर्कर्स है और जो देश से कुछ भी उनका प्रेम है, इस तरह का प्रोग्राम रखना चाहिए जहाँ पे देश का शहीदों का सम्मान मिले और उनका लाइफ स्टोरी देश का आम जनता के पास, युवाओं के पास पहुंच जाए, तो हमको बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने के बाद। मैं जो हूँ तक एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि जेडे शहीद है इंडिपेंडेंस तो पहला दे उन्हां दिया अगर कोई इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई हैं पब्लिक मुफाद ले या कोई बेनीफिट ले चीज़ा बनाई हैं, उन्हां दी पोजीशन काफ़ी ख़राब है। जिस तरह के लाला लाजपत राय, लाला धनपत राय, रणपत राय तीन भरा सीगे, इन्हां ने जगराओं दे विच आर के हाई स्कूल खोलिया क्योंकि उस वेले कोई स्कूल नहीं सीगा, हुण इस वेले चूंकि एफिलिएटेड स्कूल है वो बड़े बुरे हाल है, जबकि वो लाला लाजपत राय उन्होंने अपने हत्थां नाल बनाया, अपने हत्थां नाल उहदी डीड बनाई। इस करके मैं सरकार नूं इह गुजारिश करदा कि इहो जिहियां इंस्टीट्यूशनस नूं संभालना चाहीदा ताकि समें नाल खत्म ना हो जाण। थैंक यू। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।